नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 72, साइंस क्लास 10। टॉपिक है कचरा प्रबंधन। कचरा हम लोग देखते हैं, कूड़ा कचरा हमारे आसपास बहुत होता है, घरों से भी निकलता है, फैक्ट्रियों से भी निकलता है, और ये तरह तरह के कूड़े जो है हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित भी करते हैं। आप देखेंगे कई बार आपने दिल्ली में देखा होगा, कूड़े का पहाड़ सुना भी होगा, छोटी क्लास में तो इसके ऊपर लेसन भी बना हुआ है। इतना कचरा है कि उसको अगर प्रबंधन ना किया जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं और सभी प्रकार के प्रदूषण को यह आमंत्रित करती है। तो हम कैसे कचरे को प्रबंध करें, यानी इसका मैनेजमेंट कैसे करें कि इसका ये कम से कम हमारे वातावरण को प्रदूषित करे। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है। अगर हम देखते तो मम्मी किचन में काम करती है तो किचन का कचरा, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फैक्ट्री का कचरा, रोड का कचरा है ना, पेड़ पौधों का भी कचरा होता है कि नहीं होता है। और सबसे भयानक कचरा है प्लास्टिक का, पॉलिथीन बैग का कचरा, जो वेस्ट मटेरियल डिस्पोजेबल सिस्टम का कचरा, तो बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। तो हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कचरा भी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड तो बढ़ाइए लेकिन कचरे को ना बढ़ाइए। तो किस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाए ये आज हम पढ़ेंगे। पैकिंग के देखिए नए नए तरीके आ रहे हैं, फॉयल पेपर का यूज हो रहा है, चाउमीन आ रही है एल्युमिनियम की शीट होती है जबकि गर्म होती है फॉयल पेपर में एल्युमिनियम, एंड डिस्पोजेबल सिस्टम, वन टाइम यूज सिस्टम, बहुत सारे यूज एंड थ्रो पेंस का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड को हम शो कर रहे हैं। स्टैंडर्ड के अंदर हमने बहुत तरक्की प्राप्त कर ली है, लेकिन हमने तो तरक्की क्या की, हमने तो कचरे को आमंत्रित किया है, कचरा भर दिया है। तो ये हमें समझना जरूरी है, पहले कचरे कितने प्रकार के हैं और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो मेनली कचरे को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक जैविक कचरा, दूसरा अजैविक कचरा। जैविक कचरा वो होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाता है, जैसे पेड़ पौधों के जो छिलके विलके हैं, ठीक है, उसको दबा दें सड़ा दें तो खाद वाद बन जाती है, वापस मिट्टी से आकर मिट्टी में मिल जाता है। सीधी सी बात है, कागज है, गोबर है, ये सब जैविक कचरा है, ठीक है, जैव निम्नीकरण है। और अनिम्नीकरण यानी अजैविक कचरा क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव के द्वारा सरल पदार्थों में बदलना बहुत मुश्किल है, नहीं बदला जाता है, उसे अजैविक पदार्थ या कचरा कहते हैं। मेन तो यही है, फिर अजैविक कचरा जैसे प्लास्टिक पॉलिथिन ये सब तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, इवन धातु भी देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो सबसे पहला है बायोगैस प्लांट। जो जैविक कचरे हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स है, सब्जी वगैरह ये सब है, पत्ते वत्ते हैं, इसको जो है एक टैंक बना के, गांव में तो टैंक बन जाते हैं, और यहाँ से ये सब चीजें लिक्विड पानी के साथ साथ डाला जाए और एक ऐसा सिस्टम हो जहां से खाद निकल गया, साथ में पाइपलाइन भी, पाइपलाइन के द्वारा बायोगैस घरों में यूज हो सकती है, ठीक है, और खाद भी यूज हो जाएगी खेतों में। तो इस तरह से बायोगैस प्लांट बनाया जा सकता है। दूसरा, ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहां पर कचरे को डाला या दबाया जाता है, यानी जो निचला इलाका है वहां पे कचरे को डाल के दबा दो रोलर से तो सेटलमेंट हो जाता है। या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, यानी जो गंदा नाले का पानी गंदा होता है जो, उसको नदियों में डालने से पहले उसे साफ किया जाए ताकि पूरी नदी गंदी ना हो। कंपोस्टिंग क्या होता है, जो जैविक कचरा है उसको गड्ढे में दबा के खाद बनाए जा सकते, वो तो बायोगैस और ये एक जैसा ही हो गया, बस यहाँ पे खाद का सिस्टम हो जाता है, लगभग 3 महीने में खाद बन जाती है। इसके अलावा 4R है, जैसे पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल होता है इसका मतलब, ठीक है, रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या है, कांच या धातु से बनी जो भी चीजें हैं या पेपर भी, उसका नया प्रोसेस के द्वारा नई उपयोगी चीजें बन जाती है, प्लास्टिक भी बन जाता है इसके अंदर। अति आवश्यक ना हो तो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा, पुनः उपयोग हो सकता है, पुनः उपयोग का मतलब ये होता है रीयूज। रीयूज देखिए RR है ना, मतलब कोई चीज बनी है तो उसको आप सोचिए कि उसे दोबारा कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे हम बताएं तो प्लास्टिक की बोतल होते हैं, जार वगैरह होती है, उसको रसोई घर में सामान में यूज हो जाता है, बताया ना, जैम की बोतल है ना, अचार की बोतल है, पिकल्स की, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। आप भी कमेंट बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोबारा यूज हो रही है। इनकार कर सकते हैं कि ऐसी चीजों का उपयोग करने से इनकार करें जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, सिंगल यूज चीजें, ठीक है, डिस्पोजेबल चीजें। तो इन सब चीजों को आप यूज मत कीजिए, इसको बहुत कम यूज कीजिए या बिल्कुल ही ना कर दीजिए, इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हम रोक सकते हैं।
कचरे को रोक सकते हैं, कचरा बनेगा ही नहीं अगर हम यूज नहीं करेंगे तो, है ना। पुनः प्रयोजन मतलब ये है कि कोई वस्तु ऐसी हो जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में अब यूज नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल कप है, कप टूट गया उसका हैंडल, अब उसको यूज नहीं कर पा रहे तो उसे कुछ और कर लीजिए ना। अगर कप है तो उसको आप पेन स्टैंड बना सकते हैं, है ना, या चीनी की मिट्टी का बर्तन है, पौधे उगा सकते हैं, और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं पक्षी उनके लिए पानी या दाने के लिए उसको रखा जा सकता है कि नहीं, इस तरह से इंतजाम हम इसका कर सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, सारा मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के आंसर पे बढ़ते हैं। आप किस प्रकार से कचरे का प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई दो उपाय बताइए। तो हमारे पास तो बहुत सारे उपाय हैं, कोई दो उपाय आप कचरे का ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का तो यही आंसर है, कोई भी दो, एनी टू, कोई दो आप इसमें से लिख लीजिएगा, कोई भी दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे की क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या उससे समस्या उत्पन्न, क्या होती उससे समस्या उत्पन्न होती है, नालियां जाम हो जाती है, मृदा बंजर होने लगती है से प्लास्टिक से, और खाने की जो चीजें होती हैं लोग फेंक देते हैं प्लास्टिक में, पशु उसे खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी समस्याएं अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होती है। प्रश्न तीन, ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताइए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी रिसाइकिल किया जा सकता है। तो प्लास्टिक, कागज, धातु, इनको आप रिसाइकिल करके आप दोबारा यूज कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है, हम बताएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम से नालियों और फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आता है नदियों में मिलाने से पहले उन्हें अच्छी प्रकार से साफ किया जाता है, जिससे उनके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया मर जाते हैं और हानिकारक तत्व खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रक्रिया से पौधों और जो जीव है बाकी सारे विभिन्न बीमारियों से बच जाते हैं, साथ ही नदी भी प्रदूषित नहीं होती है, है ना। प्रश्न पांच, यदि प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं यानी से नो टू प्लास्टिक बैग, तो आप किस चीज से बने थैले का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। सिंपल सी बात है, हम जो है कागज, कपड़े और जूट भी होता है ना, जूट, कागज, कपड़े के बैग यूज कर सकते हैं, और जिससे प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बैग को हमने ना कर दिया तो हम जूट, कागज, कपड़े का बैग यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज हम कम कर रहे हैं, इससे पोल्यूशन कम होगा, है कि नहीं, प्रदूषण कम होगा। आई थिंक आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।